पहले लोग अंगूठा यूज करते थे भगवान का नाम लेने के लिए अब लोग अंगूठा यूज करते हैं सिर्फ हार्दिक okay, के के करने करने uh, you know. so अगर होना है तो सक्सेस शेयर करना सीखना पड़ेगा क्योंकि आप खुद को कभी बड़ा नहीं बना सकते आप लोगों को बड़ा बनाए और लोग आपको अपने आप बड़ा बना देंगे आपका पास्ट जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता और इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिवली भी ले सकते हैं अदरवाइज योर पास्ट स्टार्ट यू आपके अतीत का भार जो है वो आप ढोने लगते हैं और वो फिर भार इकट्ठा होता रहता है और एक टाइम बाद आपकी गति धीमे होते होते रुक जाती है हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं सेलिब्रिटी शेफ सक्सेसफुल ऑन्टरप्रन्य और मास्टर शेफ में बहुत ही अमेजिंगली हमें कई तरीके से इंस्पायर करते हैं सो प्लीज़ वेलकम रणवीर जी ऑन आर शो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर बहुत टाइम से ड्यू था थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग ऑल द वे टू मुंबई टू डू दिस

इमिडिएटली ये पूछा जाता था कि क्या करेंगे यू yes. नो you know, आज की डेट में आ, उस तरह के प्रेशर्स नहीं है बट इफ यू यूर किड ग्रोइंग अप इन इंडिया इन द दीज एंड देन अर्ली नाइनटीज तो ये होता था, था कि भाई ट्वेल्थ कर लिया अब क्या करोगे राइट right? सही बात है तो वो आई थिंक उस उस समय तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्या करूंगा जेन्यनली कि ये कॉल मेरे को लेना भी पड़ेगा आई थिंक ये तब आई टुक दैट कॉल वन आई वॉज इन क्लास दैट ट्वेल्थीन सेवनटीन वाली जो उम्र थी कि हाँ आप सब लोग बोल रहे हैं कि जिंदगी में एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी और कुछ करना पड़ेगा तो ये करेंगे सो हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वॉज टू कन्विंस योर पेरेंट बिकॉज उस टाइम पे आप देखें तो लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि इंजीनियर बने डॉक्टर बने तो पेरेंट्स को कन्वे करना वॉज ईजी वर सपोर्टिव नहीं शुरू शुरू में तो नहीं है आई थिंक हर पेरेंट जो है वो ये चाहता है कि एटलीस्ट उस समय हर पेरेंट ये चाहता था कि उनके बच्चे डॉक्टर बने इंजीनियर बने नहीं तो आई ऑफिसर बने शेफ़ बने जो है आपकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में वो नहीं आता था राइट तो जायज़ था मेरे पेरेंट्स का भी ये सोचना दूसरा हम हिंदुस्तान में सोशो कल्चरल बाउंड्री से बहुत बंधे होते हैं तो अगर हम जमींदारों के बच्चे हैं तो आ, कुछ ये चीज़ें करते हुए वो अच्छे नहीं लगते हैं अगर हम फला स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं हम जितना मर्ज़ी कह लें डिग्निटी ऑफ लेबर कह लें जो मर्जी कह लें लेकिन हिंदुस्तान में आज भी कई बार हम वर्ग के हिसाब से वर्ग वर्ण के हिसाब से काम सबकॉन्शियसली बांट देते हैं तो वो भी था एक जिम्मेदारों का बेटा है खाना बनाता हुआ अच्छा लगेगा बर्तन धोता हो अच्छा लगेगा सो so, वो ज़्यादा था उनको एक्चुअली मोर देन द इन सिक्योरिटी के बच्चा क्या करेगा थ्रो तो वो थोड़ा ज्यादा आज आप एक सक्सेसफुल ऑन्टरप्रोर भी हैं सो मैनी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स यू हैव सो कुकिंग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्किल है एंड बिल्डिंग बिजनेस इज टोटलीट एंड वेरी रॉकी ट्रांजिशन बहुत रॉकी ट्रांजिशन था कोई बहुत हैप्पी और मैजिकल ट्रांजिशन नहीं था मैंने बहुत बिजनेस बंद किए हैं अच्छा uh, जितने मेरे रेस्टोरेंट चल रहे हैं उससे ज़्यादा बंद हो चुके हैं और हम हमेशा ही कह सकते हैं कुछ हमारे कंट्रोल में था कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ सिखा के गया यू नो सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू ब्लेंड आर्ट साइंस एंड मैनेजमेंट टुगेदर है ना yes. वो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है उसको um, बहुत मैं उस वैसा बॉन्ड जीनियस नहीं हूँ कि आर्ट मैनेजमेंट और साइंस के बीच का रास्ता यूँ ढूंढ लूँ मुझे वक्त लगा मुझे वक्त लगा आई वॉज ऑलवेज एन आर्ट फर्स्ट गाय मुझे हमेशा लगता था कि कला जो है उसकी परख होगी कला को अपनी कीमत मिलेगी लेकिन उसको किस स्ट्रक्चर में डाला जाए और कितनी कीमत मांगी जाए उसकी समझ नहीं थी सो इफ यू कैन शेयर टू थ्री लेसन फ्राम द फेलियर्स दैट यू हैड

और जो मैंने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है जो मुझे करना है और जो मुझे नहीं आता है वो ज़्यादा ज़रूरी है दैट वॉज़ वन लेसन और वो मुझे अपने पहले रेस्टोरेंट में ही uh, मिल गया था uh, मैं इंडिया से बहुत सक्सेसफुल शेफ़ था जब मैं इंडिया से गया आई थिंक आई लेफ्ट इट बिफोर पीकिंग इन इंडिया एज अंगस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ़ सत्ताईस साल की उम्र में निकल गया उस समय भी मैं चार होटल अकेला संभाल रहा था और वन ऑफ द मोस्ट पेड शेफ्स था मतलब जो पचास पचपन साल के शेफ्स की सैलरी नहीं थी मेरी उस समय सत्ताईस साल की उम्र में थी इनिशियली आई थॉट दैट इज गोइंग टू डिटरमिन माय सक्सेस इन द यूएस एंड दट वॉज एंड शो यू नो यू आर सक्सेसफुल मीन सक्सेसफुलर बी सक्सेसफुल देयर सो आई थिंक वो वो बड़ा अच्छा और बड़ा जरूरी लेसन था मेरे लिए और दूसरा उस समय के बाद ना मेरी गोल्डफिश मेमोरी बननी शुरू हो गई मतलब लैक ऑफ मेमरी कह लीजिए गोल्ड फिश मेमरी कह लीजिए ना मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें याद रहती ना मुझे ज़्यादा बुरी चीज़ें याद रहती हैं <laughs> मैं हमेशा कहता नाँ कि आपने अगर मुझसे कोई बात करी है तो प्लीज़ मुझे बता दें मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया मुझे वो भी याद नहीं सो यू नो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू है गोल्ड फिश मेमरी अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमरी इफ़ यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल इन बिजनेस बिकॉज अदरवाइज योर पास्ट स्टार्ट यू आपके अतीत का भार जो है वो आप ढोने लगते हैं और वो फिर

हार्दिक यू नो सो आई थिंक सक्सेसफुल अगर होना है तो सक्सेस शेयर करना सीखना पड़ेगा क्योंकि आप खुद को कभी बड़ा नहीं बना सकते आप लोगों को बड़ा बनाएं और लोग आपको अपने आप बड़ा बना देंगे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना हम जल्दीबाजी में कई बार सक्सेस शेयर करना भूल जाते हैं um, चाहे वो मटीरियली शेयर करना हो इन टर्म्स ऑफ मनी और वटैवर या फिर

आई थिंक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए uh, अगर चीज़ कॉम्प्लिकेट हो रही है ना तो इसका मतलब उसके अंदर मैंने अपने बाइसिस डाल दिए हैं मैंने अपने प्रीवियस थाट्स डाल दिए हैं तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है uh, मेरे लिए आज की डेट में मैं कोई नया रेस्टोरेंट खोलता हूँ कोई नया बिज़नेस आइडिया खोलता हूँ किसी बिजनेस में इन्वेस्ट भी करता हूँ किसी बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करता हूँ फॉर मी इफ़ आई गेट इट इन द सिंपलेस्ट ऑफ वेज एंड इट मेक सेंस टू मी देन आई मूव अ हेड विद इट और वो हर चीज़ वो आई थिंक एक उम्र के साथ भी हो जाता है शुरू शुरू में आप सब कुछ करना चाहते हैं धीरे धीरे उम्र के साथ आप लाइफ सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं अपना खाना सिंप्लीफाई करते हैं राइट बट या फॉर मी द फर्स्ट थिंग ऑन द चेकलिस्ट इज इट नीड्स टू चेक द बॉक्सिस ऑफ सिंपलिसिटी एंड कॉमन सेंस अगर मेरी कॉमन सेंस में आपका थॉट आपका आइडिया या मेरा थॉट मेरा आइडिया नहीं बैठ रहा तो आगे नहीं बढ़ता हो जब आप कोई भी रेसिपी आपके दिमाग में जन्म लेती है जैसे एक पोइट्री में होता है कि एक एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गुज़रते हो उन स्टेप्स तक पहुंचने के लिए और एक फ़ाइनल आउटकम के लिए सो हाउ इट गोज़ इन योर माइंड अगर आप वो स्ट्रक्चर अगर कुछ है तो आप बता सकें कि एक नई रेसिपी का जन्म कैसे होता है फिर वो फाइनल स्टेज तक किस तरीके से पहुंचती है वट इज यॉट बट आई थिंक पोइट्री इज अ ग्रेट कंपेरिजन बहुत अच्छा कंपेरिजन दिया मैंने भी सोचा नहीं इस तरह मैं लिखता भी बहुत जी और खाना भी बनाता हूँ बट कंपेरिजन वही है आप एक क्षण को एक क्षण को महसूस करते हैं उसको रजिस्टर कर लेते हैं आप कहीं ट्रेन में आपने किसी किसी बच्चे को पेंसिल बेचते हुए देखा हाँ हो सकता है आप तभी लिख दें या हो सकता है आप वो क्षण जो है अपने डब्बे में डाल लें और उसके बाद फिर कभी मन करे और वो एक एक पन्ना खोल के उसको लिखे फूड इज लाइक दैट आपने कभी कुछ खाया आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस um, um, uh, किया समटाइम्स यू जस्ट स्टैंड देयर एंड से एक मिनट में कुछ करके देखो एंड यू क्रिएटेड देयर समटाइम्स यू ब्रिंग इट बैक बट वट यू ब्रिंग बैक इज दैट दैट फीलिंग इन दैट स्प्लिट सेकेंड एक वो एक वो मोमेंट अपने साथ आप लेके आते हैं चाहे वो कविता लिखनी हो या खाना बनाना हो और वो कविता और वो खाना उसी मोमेंट को रिप्रेजेंट और जस्टिफाई करता है उसके बाद आप उसके अंदर अपनी स्किल्स अपना एक्सपीरियंस अपने आप आ, को डालते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर उसको मीटर पे बैठाते हैं ओके यू नो आई ऑलवेज से कुकिंग इज़ अबाउट रिदम अगर आपके अंदर रिदम नहीं है अगर आपके अंदर आपके मूवमेंट में फ्लो नहीं है अगर आपको लग नहीं रहा है कि आप एट बीट पे चल रहे हैं तो इसका मतलब खाना स्वाद नहीं बनेगा तो कुकिंग को भी मीटर पे ही बैठाना पड़ता है जैसे हम कविता को मीटर पे बैठाते हैं कुकिंग को भी मीटर पे बैठाना पड़ता है और दैट इज इट देन यू पुट इट इन रिदम एंड रिदम इज कॉल्ड रेसिपी

कैसे जुड़े होते हैं और इमोशन का कितना रोल रहता है इवन खाने वाले के लिए भी और बनाने वाले के लिए भी हाउ मच दे आर कनेक्टेड बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को खाने की वो फिजियोलॉजिकल जी है ना तो जब हम बिल्कुल बिल्कुल प्रताड़ित होते हैं और हम बदहवासी में खाते हैं बिकॉज नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे सिर्फ वो एक वक्त है जब खाने का इमोशन से कनेक्शन नहीं होता सस्टेनेंस से कनेक्शन होता उसके बियॉन्ड हर ओकेजन उसमें खाने का इमोशन से कनेक्शन होता ही होता अनलेस यू रियली डोंट केयर विकॉज यू यू वाइट एनी थिंग देर विल ऑलवेज बी वेदर वी से माइंडलेसली खा रहे हैं देर इज ऑलवेज एन आयोटा ऑफ माइंडफुलनेस इन वट वी ईट एंड हाउ वी ईट राइट एंड माइंडफुलनेस इज द जेनेसिस ऑफ इमोशन ट्रू राइट सो ये तो एक बेसिकली उसको जैसे बोलते हैं साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझा दिया दूसरा एक बहुत सिंपली अगर हम ये बताएं कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो नरिशमेंट के बाद जो भी है जो खाना हमें देता है वो आप एक इमोशनल स्पेक्ट्रम पे उसको मैप कर सकते हैं कभी याद देता है कभी खुशी देता है कभी दुख देता है शराध में जब आप खाना खाते हैं और याद करते हैं या यू नो सो आई थिंक यू कैन मैप फूड ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस एंड दैट स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस इज बेसिकली वट यू चेज एंड वट मेक्स दिस जॉब दैट आई डू सो ब्यूटिफुल आई हेट टू इट एज अ जॉब सडनली इट मेक्स इट सो स्मॉल राइट वट आई डू सो ब्यूटिफुल बिकॉज आप लोगों को वहाँ टच कर रहे हैं जहाँ प्रॉब्ली

It impacts how you feel इट इम्पैक्ट्स हाउ यू फील अबाउट इन मेमरीज मेरी नानी वो आम का अचार बनाती थी जैसे हम uh, राजस्थान में लुंजी बोलते हैं सो so, अब वो कहीं भी में अगर वो मिलता है तो वो पहला कनेक्शन जो बनता है वो सीधा नानी से जब भी आपने कहा कि मेमरीज जो ट्रिगर होती है, कही न, कहीं हैं कहीं ना कहीं डीपली एसोसिएटेड रहती हैं Growing up in the 70s or the 80s, that packet of glucose biscuits, you know, it's 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 the simplest example of what how emotionally connected we are. You dip that in tea and have a bite. There is so आप ना चाहते हुए भी आप एक for that split second आप present moment में आ जाते हैं। चाहे आप दोस्तों से बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक moment आपको हर बार वो चाय में डुबा हुआ biscuit दे देता है। अभी आपने बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया था माइंडफुल ईटिंग और तो आजकल इतना लोग माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं और एक ऑटोमेशन में रहने की आदत हो गई लोगों की पीपल आर लिविंग ऑन ऑटो पायलट सो कई बार माइंडलेस ईटिंग भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी और ये सारे इश्यूज़ लोगों में आते हैं सो वट इज़ योर टेक ऑन दैट दैट हाउ दे कैन इम्प्रूव ऑन दैट माइंडलेस ईटिंग सी आई थिंक माइंडफुलनेस जो है आ, और एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो एक समिट कराते हैं वो समिट का नाम ही है माइंड द माइंडफुलनेस समिट जी और सब हर समिट में बाहर जो है ना कुछ बुद्धिस्ट मंग्स आई विल कम टू द आंसर आई थिंक मैं आंसर डिराइव करूंगा सो so, uh, हर समिट में हॉल uh, जहाँ पे समिट हो रही होती है हॉल के बाहर पांच छह बुद्धिस्ट मंग्स एक मंडला बना रहे होते हैं मंडला इज वो जो डिजाइन बनाते हैं कलर्स के रही, साथ राइट 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 हर बार एंड एवरीबॉडी हु अटेंड्स द समिट वो देखते हैं कि कैसे ध्यान से एक एक दाना रंग का डाल के वो बना रहे हैं और जैसे ही समिट खत्म होती है पूजा होती है और मंडला मिटा दिया जाता है उसको डिस्ट्रॉइंग ऑफ द मंडला हर बार मैं जाता हूँ समिट में देखता हूँ लोगों का जो रिएक्शन होता है उसके ऊपर पीपल गेट शेकन अप राइट बिकॉज क्या होता है ना कि हम हम माइंडलेस तो हो ही जाते हैं लेकिन हम माइंडलेसली अटैच भी हो जाते हैं चीजों के साथ छो राइट एंड समटाइम्स द सोल्यूशन टू फाइंडिंग माइंडफुलनेस इज शॉकिंग योर सेल्फ इन टू आउट ऑफ माइंडलेसनेस राइट राइट एंड आई ऑलवेज से द मंडाला ब्रेकिंग डाउन इज द बिगेस्ट शॉक आउट ऑफ माइंडलेसनेस एंड आई सी दैट ऑलमोस्ट एवरी ईयर वेनएवर दैट

Uh, वो ब्रॉडर साइकिल ऑफ माइंडलेसनेस जो है ना उसको टैकल करना बहुत जरूरी एंड द टैकलिंग कैन ओनली हैपन थ्रू यू नो एंड आई ऑलवेज दिस एक एक सेमिनार में थे मेरे साथ उन्होंने बोला कि हम हिंदुस्तान में कभी माइंडलेस ईटिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि हम हर रोज नौ बार खाना खाते हैं राइट मैंने कैसे तो कहते हैं कि Uh, पहले हम सुबह उठ के या सोचते हैं कि अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे राइट right? या yeah. आज ब्रेकफास्ट में या फिर फोन करते हैं मम्मी से पूछते हैं अरे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया यू यू एंड बेसिकली योर योर प्रोसेस ऑफ ईटिंग स्टार्ट देर एक बार आपने खा लिया फिर आप एक्चुअली खाते हैं फिर आप फिर जाके खा के बताते हैं किसी को यार आज वो खाया था आज बड़ा अच्छा बना था आज वो खाया था आज बड़ा अच्छा बना दैट इज योर रोड टू माइंडफुलनेस ट्रू कॉन्वर्सेशन अबाउट द थिंग्स यू डू

नहीं प्रैक्टिस एक कुकिंग हाँ, इज या आई थिंक कुकिंग एंड ऑल्सो आई डू कलरी पाइट विच इज विच इज अगेन फॉर मी इट्स योगा इन मोशन वेक्स मी अप एवरी टाइम सो कलरी मेरे को हेल्प करता है कुकिंग हेल्प करती है और दूसरा आई थिंक वो हमारे कल्चर में सबसे बड़ा जो माइंडफुलनेस यूनिवर्सिटी है वो परिवार है <laughs> अगर आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो आपकी माइंडफुलनेस यूनिवर्सिटी वहीं पर ही है यू नो बिकॉज वो आपको जोड़ के रखती है कभी मम्मी कोई बचपन की बात कर लेती है आपके दिमाग में आ जाती है कभी कोई यू you नो know, तो वो इट इट इज जस्ट अमेजिंग हाउ आर सोसाइटी हैज़ हार्ड वायर्ड माइंडफुलनेस इन टू इट स्ट्रक्चर बट समहा अगर हम अब करंट स्टेट में देखें कि ज्वाइंट कल्चर अब खत्म हो रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं और तो, तो, मैं कई बार कहता हूँ दैट वी आर द मोस्ट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड जनरेशन कि वर्चुअली तो इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं बट अगर आप फिज़िकली देखें तो डाइनिंग टेबल पे लोग बैठे होते हैं लेकिन सब अपने फ़ोन पे लगे होते हैं सो वट इज़ योर प्रस्पेक्टिव ऑन दैट आई थिंक वो परसपेक्टिव क्या है वो तो रियालिटी है बट आई ऑलवेज से आई थिंक इट्स जस्ट एक्सेप्टेंस जो है ना वो बड़ी बड़ी ज़रूरी है हम बहुत हम जब तक लड़ते रहेंगे तब तो तक हम माइंडलेस रहेंगे लड़ते रहेंगे मतलब ये नहीं कि दूसरों से लड़ते रहेंगे बट यू लुक एट नहीं हमें तो लड़ना है बोले कपड़ों में क्रीज क्यों आता है है ना? तो एक लड़ाई छेड़ी गई तो उसके बाद आपके सिंथेटिक्स बने कि नहीं चलो अभी कपड़े प्रेस करने की जरूरत नहीं है कपड़े के स्वभाव के अगेंस्ट गए हम कपड़े का स्वभाव क्या है कपड़े का स्वभाव है बल यस yes. सिल्वट यस yes. ठीक है तो हमने वो वी क्रिएटेड अ फाइट दैट वाज नॉट आर फाइट ठीक है right. फिर हमने कहा यार ये बर्तन चिपकता क्यों है है <laughs> ना, <laughs> ना? <laughs> बर्तन का स्वभाव है चिपकना बर्तन चिपकता क्यों है फिर हमने कहा एक काम करो कुछ कोटिंग बनाओ ये करो यस नाउ द मोर यू फाइट विद हाउ थिंग्स एक्चुअली आर सपोज टू बी द मोर डिस्कनेक्टेड यू गेट ना ट्रो कि खाना खराब क्यों होता है ऐसी चीज बनाओ जो दस महीने ना खराब अरे खाने का स्वभाव है खराब होना ट्रू जितना हम चीजों के प्राकृतिक स्वभाव से दूर जाते हैं और लड़ते हैं उनके प्राकृतिक स्वभाव से उतना हम खुद से दूर जाते हैं और जब आप खुद से दूर जाते हैं तो डिस्कनेक्शन तो चालू हो ही गया ना हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड ऑफ नोमैडिक एंड एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन हैज बीन हार्ड वाइड इन अस विच कैन नॉट गो अवे इन फिफ्टी ईयर्स राइट सो यू डिस्कनेक्ट इज इंटरनल

मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि जैसे अभी स्वभाव की बात हो रही थी ना तो खाने का बेसिक पर्पज जो है वो नरिशमेंट द परपज ऑफ फूड इन आर लाइफ इज टू नरिश एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड अब आप बोल रहे हैं खाना अनहेल्दी होता है तो बेसिकली खाना अनहेल्दी नहीं हो सकता बिकॉज उसका पर्पज ही हेल्थ है आप खाते क्यों है मतलब दी दैट यू सॉर्ट ऑफ हैव टू डू इज यू हैव टू रिमूव The unhealthy bits from your food that have creeped in. You're right. That is all. There is no food that is inherently unhealthy. Unless it is obviously highly processed and so on and so forth. So if you're using the right ingredients, and if you if you're if you're using moderation as a major tool of your cooking, all your food is basically meant to be what it is meant to be. Which is supposed to be good for you. How much ऑफ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आज से एक साल तक आप सिर्फ ब्रॉकली खाएंगे राइट सो ब्रोकली हेल्दी है लेकिन अगर आपका आपका इंटरेक्शन ब्रोकली के साथ हेल्दी नहीं है तो बेचारी ब्रोकली क्या करेगी सो इट इज ऑल्सो द कंज्यूमर्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद वर्ट दे थिंक इज हेल्दी फूड एंड हेल्दी ईटिंग एक्सेस इज बैड इवन विद देल्दी एस्ट फूड्स ट्रू किनोआ हेल्दी है इसका मतलब नहीं है ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर में हम किनोए खा रहे हैं राइट right? अति हर चीज की अति हर चीज की बुरी है ना तो एज एज लॉन्ग लाइफ स्टाइल में मॉडरेशन है हमारी लाइफ में माइंडफुलनेस है रिस्ट्रेंट है खाने का बेसिक स्वभाव है हेल्दी खाने का बेसिक नेचर नरिशमेंट दैट्स वॉट आई बिलीव इन एंड आई गो ऑल इन इवन वेन माई बॉयज आर कुकिंग शेफ्स आर कुकिंग आई से नो एज लॉन्ग एज यू डूइंग एवरी थिंग इन मॉडरेशन एंड यू नो के हाथ कहाँ रोकना है खाना हेल्दी है कई बार हम देखते हैं कि मैंने जो प्रोसेस फूड कंपनीज़ बनाती हैं दे हैव साइंटिस्ट जो स्पेसिफिकली टेस्टिंग इस लिहाज पे करते हैं कि इसका एडिक्शन लेवल क्या है इस फूड का इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एडिक्शन सो दे डू रिसर्च ऑन दैट एंड अकॉर्डिंगली एक राइट मात्रा में उसमें मीठा या चीज़ें इस तरीके से मिलाना कि वो थोड़ा सा एडिक्टिव नेचर उसमें आ जाए so i wanted to know your uh, views on the i am i honestly i haven't really read much about it but i understand ke uh, brain chemicals aur khane ka kya connection hai aur unse kis tarah craving kaise emote ki jati hai उसके ऊपर बहुत research हो रही है west में बहुत research हो रही है dopamine levels पर research हो रही है uh, टोपमी इंड्यूसिंग फूड पे रिसर्च हो रही है और ये मुझे नहीं लगता कि ये आज की बात है ये बात हमेशा से हम पुराने भी कहते ना यार ये अपने लड्डू में पता नहीं क्या डालता है इसके लड्डू में यही बात है ये अपनी कचौड़ी में पता नहीं क्या डालता है है ना सो आई थिंक वो एवरीबडी इन यू यू डू बिजनेस यू वॉन्ट ऑफ लेस फॉर योर फूड एंड एज लॉन्ग एज इट इज रेगुलेटेड एंड द रेगुलेशन एंड द पॉलिसी मेकर Are conscious, aware, and draw the lines at the right uh, levels. Uh, I think that is that is more important here. And I completely buy on the buy on the sugar um, bit. Uh, you know, um, I, fortunately now a lot of companies that I work with work for they're reducing the sugar levels. They understand, um, you know, that while sugar triggers.

True, true. eventually regulatory reforms or regulatory limits he decide decided. Um, ethical and moral is very intangible and especially when you're affecting the lives of millions of people who consume that food and fssai and all these and, and uh, you know these organizations fssai in particular over the last especially last 7 8 years um but it is one of the most it is one of the most prolific food safety codes in the world right we are at least 20 years ahead of food safety codes in the west if you properly study fssai and the way it has been framed. recently, i think both criticism and aikishogi just a low caliber, but you have to give the credit where the credit is due. it's a very good quote. food codes may up global rating, but fssai will be in the top 3 so i would just like to. Uh, ask you about some myth that people have uh, is it like organic food is always good people constantly compare organic and non-organic i think chemical free is a good way to start i think chemical free is a good way to start and also questioning what chemicals have gone into your food is a good way to start um i always that um ऑर्गेनिक खाना है बहुत अच्छा हमारे लिए uh, लेकिन जिस हिसाब से ईल्ड होती है अगर आप मान लीजिए दस किलो ईल्ड um, निकाल रहे हैं फर्टिलाइजर्स uh, के साथ इनऑर्गेनिक oh. फर्टिलाइजर्स yeah, के साथ तो आपको सिर्फ एक किलोल्ड ही मिलती है मतलब खाना दस गुना एक्सपेंसिव भी हो जाता है यस ऑर्गेनिक मॉडरेशन इज़ वन Um uh, multi-cropping, eating a lot of multiple grains is one. Uh, being aware about the chemicals in your food is one. And going for chemical free first before you go for organic is one. And many people say that uh, completely sugar-free diet, so it has many advantages to your health, or you will get rid of 80% of your ailments. So हाउ टू इज दैट दैट इज इट एडवाबल शुगर दैट इज फॉर न्यूट्रिशनिस्ट टू से बट आई बिलीव के प्रकृति ने जो हमको आजू बाजू दिया है उसमें हमको दिया हुआ है सब कुछ फ्रूट्स में शक्कर भी दिए है नेचुरल सॉल्ट भी दिए हैं वेजिटेबल्स के अंदर तो प्रकृति की चीज़ों को अगर हम प्रकृति को एक्सप्रेस करने दें खुद को अपने इंग्रीडियंट्स में

पकाना हमारे सबको हमारे जहन में नहीं बैठता आप अभी सोचिए हिंदुस्तान में ज़्यादातर घरों में ऑवन को हम आ, बिस्कुट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं मम्मी अपने डब्बे रख देती हैं बिकॉज सब कॉन्शियसली तक आग नहीं जलती तो हमको लगता नहीं कि चीज़ें पक रही हैं गरम हो रही है एंड लास्ट दैट फ्रेश वेजिटेबल्स आर ऑलवेज बेटर देन फ्रोजन वन की यू शुड नॉट फ्रीज योर वेजिटेबल्स बट आई थिंक नो आई थिंक वेर एवर पॉसिबल ये तो मैं सबको कहता हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल है तो ताज़ा खाए सीजनल खाए राइट बट न्यूट्रिशनली साइंटिफिकली लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इतना ज़्यादा नहीं होता फ्रीजिंग में जितना हमें लगता है लॉस ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो जाता है कई बार यू नो आइस क्रिस्टल्स फ्रीज़ होते हैं बड़े होते हैं छोटे होते हैं तो एक स्ट्रक्चर का मे बी कई बार लॉस हो जाता है वेजिटेबल्स मुशी हो, हो जाते हैं लेकिन न्यूट्रियट लॉस इतना नहीं होता बट आई वुड स्टिल से It is possible, we should eat fresh. So, uh, काम रहता है शूट भी कर रहे हैंजर वर्क लाइफ बैलेंस आई ऑनस्टली चीज में मेरा डिपार्टमेंट बड़ा कमजोर है लिया अपने लिए इतने बजे इतने बजे तक मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ इतने बचे इतने बच्चे थे माँ बाप के साथ मैं अपनी जिंदगी स्पर्ट्स में जीता हूँ कई बार मैं महीना महीना घर ही नहीं होता राइट right? कई बार मैं दो हफ्ते के लिए घर हूँ फिर उसके बाद दो महीने के लिए जा रहा हूँ तो मैं स्पर्ट्स में जीता हूँ अपनी जिंदगी यू नो तो जब जब घर पर हैं तो जितना समय है अच्छे से दे दें आई जस्ट फील इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप टेलिंग पीपल हाउ मच दे मीन टू यू वेन यू नॉट टू दैम बट अदर देन दैट आई रियली डोंट हैव अ है आई ऑनिस्टली आई डोंट हैव अ formula। हम हम वो जनरेशन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो जो बेचारे लेट सेवेंटीज़ या मिड सेवेंटीज से मिड एटीज़ तक जो पैदा हुए ना बच्चे वो उनको ऐसा गधा मजदूरी की आदत है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस कभी कर ही नहीं पाएंगे <laughs> उनके गले में वो घंटी बांध दी गई है कि अच्छी नौकरी करनी है खूब मेहनत करनी है सोचना ही नहीं दाएँ बाएँ देखना ही नहीं बस मेहनत ही करते रहनी है फिर ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है फिर वो करनी है फिर वो करनी है

सो जिम आई हार्डली पिकअप वेट्स ज़्यादातर कैलिस्टिक्स है और कैलरी पैट है क्योंकि हम ट्रैवल इतना करते हैं तो ज़्यादा जगह कई बारी नहीं मिलती है तो उसको एक रूम में भी इट्स ईजी टू डो कैलरी एंड कैलस्नेटिक्स ऑल्सो आई थिंक म्यूजिक वट विच टाइप ऑफ म्यूजिक इंडियन और एनी अदर सूफी म्यूजिक ज़्यादा सुन लेते हैं आपने कहा था पोइट्री भी आप लिखते हैं सो व्हेन डज दैट हैपन टू फ्रीक्वेंट और समटाइम्स इन जस्ट मोमेंट ऑफ इनसाइट्स मोमेंट्स मोमेंट्स म्यूजिक में अगर अगर यू नो आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू रागी आई थिंक ही इज माय लेटेस्ट लेटेस्ट फाइंड ओके फैंटास्टिक स्टफ एक मॉडर्न सूफी वाइब है उनके अंदर सुनिएगा जरूर आजकल वो ट्रेंडिंग भी हो रखा है उनका एक वो गाना ना uh, कच्चा घड़ा एक उनका गाना है। रागीर रागी ओके okay. वो जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ये 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 जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे दैट यस लवली yes, उनको सुनिएगा पंद्रह बीस गाने अच्छे उनके ये वाला तो सुना है वो आप बाकी भी बहुत अच्छे अक्सले लिख लेते हैं जब मन करता है थोड़ा बहुत बीच में कहीं मूड होता है तो लिख लेते ज्यादातर तो ये ऐसा हो जाता है कि आजकल शूट पे लोग

अधर में हूं आधी जिंदगी आधे असूल कच्चे पक्के सवाल अधर में हूं आधी जिंदगी आधे रूसूल कच्चे पक्के सवाल लोगों को कहता फिरता हूं कि जवाब खुद में होते हैं और देखो सवालों ने क्या किया है मेरा हाल आ? मेरे सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास भी नहीं है जानता हूं और जानता हूं कि सवाल फिर भी यही है कि सवाल ही गलत है जवाब तो सही है मेरे सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास भी नहीं है तुम्हें जो आवारगी लगती है वहां से यहां से देखो तो भटकना बेमानी है तुम्हें जो आवारगी लगती है वहां से यहां से देखो तो भटकना बेमानी है काश तुम्हें दिखा सकता कि जो तुम्हें दिखता है वो नहीं है काश बदल सकता अपने सवाल या यकीन कर सकता तुम्हारे जवाबों पर क्योंकि जानता हूं सवाल तुम्हारा फिर भी यही है कि सवाल ही गलत है जवाब तो सही है क्या बात है Beautiful. इस पर एक मुझे इंसिडेंस याद आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मैं अपनी फर्स्ट किताब लिख रहा था तो उसमें मैंने लिखा था ये कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो अपने एज के फर्स्ट हाफ़ के अंदर बहुत सारा उन्होंने काम किया नोबेल प्राइज़ लिया बट उनकी लाइफ के जो आखिरी थर्टी ईयर्स थे जब से क्वांटम मैकेनिक्स आई तो उनका पूरा जो अंदर का सिस्टम था वो हिला हुआ था बिल्कुल तो एक बार वो जा रहे थे रास्ते पे वॉक करते हुए तो एक छोटा बच्चा उनसे मिलने आया और यूँ ही कुछ उन्होंने बात करी और वो मुस्कराने लगे ज़ोर से हंसने लगे तो उधर मम्मी देख रही थी उस बच्चे की तो मम्मी ने बुलाया तुरंत कि इतना ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन तूने उसे हंसा दिया ऐसा तो क्या बोला कि उसे हंसा दिया तो बोले मम्मी कुछ नहीं मैंने तो उनसे ये पूछा कि आज सुबह आप पोटी गए थे क्या तो वो हंसे और बोलते हैं कि फाइनली समबडी आस्ट बी समथिंग दैट आई कैन आंसर बिल्कुल <laughs> सो <laughs> वो so, जो एक कई बार जो एक पेन ऑफ इग्नोरेंस है कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलने का जो अंदर से

इन द नेक्स्ट कमिंग फाइव टेन ईयर्स नहीं आई डोंट डू दिस होल विजन मिशन बिजनेस शेयर मैं यहाँ पर भी कोई प्लानिंग से नहीं पहुँचाऊँ और आगे अगर ये बहुत अनफेयर होगा कि सडनली कहीं कुछ आप पहुँच गए हो तो अब आप सडनली बोलो कि अब मैं प्लान बनाता हूँ नहीं आई थिंक जिंदगी जो है वो एक पल में जी जाती है तो जो है सामने उसको निभाते रहेंगे आगे पता नहीं हम कहीं फिर किस मोड़ पर कहाँ मिलेंगे वाली बात है देर आर नो गोल्स देर इज़ नो यही सारी चीज़ों से मैं लड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि हम क्यों uh, क्यों सेविंग करते हैं बच्चों के लिए हमारे माँ बाप हमेशा बेचारे फटे कपड़े पहनते रहे हमको अच्छे अच्छे कपड़े दे रहे एक स्टीरियोटिपिकल गोल ड्रिवन सोसाइटी uh, में खुशी नहीं हो सकती तो है ना तो वो uh, वो मैं उस स्ट्रगल में नहीं पढ़ना चाहता म मैं खुश नहीं हूँ लेकिन कम से कम ये दुख नहीं है कि मैं कोई चीज चेज कर रहा हूँ मिलेगी नहीं मिलेगी यू नो दिस द मोमेंट आई थिंक इज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज आई टेल पीपल एंड आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट इफ यू बिलीव इन इन द पावर अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट हिम गिव एंड स्टॉप आस्किंग अभी विराट कोहली अभी जस्ट अभी कहा था एक्टली

बहुत मजा आया रणवीर जी बहुत ही ऑनेस्टी uh, के साथ आपने आंसर दिया इट वॉज विल हैव अ लॉन्ग डे खिचड़ी खिचड़ी मेरे लिए खिचड़ी और घी कॉम्बिनेशन जो है मेरे को बिल्कुल रीसेट कर देता वट इज द वन किचन गैजेट यू कांट लिव विदाउट हैंड ब्लेंडर कैन यू शेयर योर बिगेस्ट किचन डिजास्टर मैंने एक बार गुलाब जामुन की चाशनी को तेल समझ के आ, फ्रायर में डाल दिया क्योंकि किसी ने वो चाशनी तेल के डब्बे में डाल के छोड़ दी इज़ वन डेली वेलनेस रिचुअल यू नेवर स्किप सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ना और स्ट्रेचिंग करना पंद्रह मिनट इज़ योर फेवरेट वे टू रिलीव स्ट्रेस ऐसे फोन पे किसी भी दोस्त के साथ फोन पे बकवास कर लेना रिसेंट बुक जो आपको बहुत प्रभावित किया हो जिसने किताब थी जॉनसन लिविंग स्टोन सीगल रिचर्ड की

Uh, रसगुल्ला बंगाली मिठाई जो है थोड़ी कमजोरी है मेरी हाउ डू स्पिरिचुअलिटी एंड कुकिंग इंटरसेक्ट इन यर लाइफ आई थिंक स्परिचुअलिटी एंड द काम पॉइंट बिटवीन स्परिचुअलिटी एंड कुकिंग इज बोथ ऑफ दैम आर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरनलाइजिंग आप बहुत इंटरनलाइज करके और कुछ उसका एक जो रिफाइंड थाट बाहर छोड़ते हैं चाहे वो स्परिचुअलिटी या कुकिंग या दोनों में वही है कि अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है और बाहर वक्त पे थोड़ा सा देना पड़ता है सो इट वॉज अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विध यू हैविंग यू ऑन आर शो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रणवीर जी एंड ये जो इनर वेलनेस का हमने चलाया है इनिशिएटिव इफ़ यू कैन से समथिंग अबाउट इट दैट कि आजकल की टाइम में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है लोग कितना प्रायोरिटी अपनी इनर वेलनेस और मेंटल हेल्थ को दें फॉर द लॉन्गेस्ट मैं जब यूएस में था जब सक्सेस uh, नहीं मिल रहा था फेलियर्स मिल रहे थे तो मुझे लगा हेल्प लेने की क्या जरूरत है एंड आई सेड आई डोंट नीड हेल्प यू नो एज इंडियंस वी नॉट यूज टू सीकिंग हेल्प राइट हम अपनी फैमिली के बाहर जाते ही नहीं है पैसे बिछे होते मैं पापा से बोलता थोड़ा पैसे दे दो बाद में वापस कर देंगे फॉगेट अबाउट आई मीन वेन इट कम्स टू डिफ़िकल्ट टाइम्स मेंटल सिटेश इंडियन मैन इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट्स वेन आई रियलाइज आई डिड अ शॉर्ट कोर्स आई डिड अ शॉर्ट कोर्स फॉर थ्री डेज एंड दैट्स वेन आई रियलाइज दैट कई बार uh, सिर्फ आप सिर्फ नजरिया और थाट जो आपके दिमाग में है उसको बदल के आप आजू बाजू की दुनिया बदल सकते हैं राइट एंड देन द थिंग दैट आई रिमेंबर फ्राम दैट इज

So, there are times when we let opportunities miss because we did not see, because we were listening to ourselves more than what was there in front of us. And I think those singular moments that could define us as individuals, as people, moments of expression, those moments you miss if you don't realize the power of mental alignment.